जय जय सियाराम। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट। ओम ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारं दातारं धर्तम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम जो है रामायण जी का एक रहस्यमय चीज के बारे में आपको बताएंगे। और रामायण जी की बात जब भी चलती है तो जब तक राम अवतार स्तुति नहीं बोल दी जाती तब तक आनंद और परमानंद प्राप्त नहीं होता है। ये प्रारंभ करने के पहले मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। ओम सिमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण गर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वृद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमो नमः। सभी देवी देवता यहां पर पधार चुके हैं। अब रामायण जी के प्रवचन प्रारंभ करने के पहले श्री रामचंद्र जी का ध्यान। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि घावहि सुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपासी सुनत धीर मति धीर नहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूबा कीजे शिशु लीलाति प्रिय शीला यह सुख परम अनुबा तुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूबा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परै भव कूपा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये राम अवतार स्तुति जो मनुष्य रोजाना पूजा के समय पे सुबह और शाम को संध्या बेला के समय पे इसका पाठ करता है चाहे एक बार करे पांच बार करे ग्यारह बार करे नौ बार करे इक्कीस बार करे
इससे श्री रामचंद्र जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं, परंतु बिना त्याग तपस्या और साधना के श्री हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। यानी कि एक स्तुति और तीन तीन देवता इससे प्रसन्न होते हैं। अगर जब ये प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को इसका पाठ रोजाना करना चाहिए। इसका पाठ करने से आपको मति, प्रति, रति, लक्ष्मी, बुद्धि यानी कि सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी और धन, ये सभी प्राप्त होता है। सुख भी प्राप्त होगा, आनंद भी प्राप्त होगा, शांति भी प्राप्त होगी और लक्ष्मी की कृपा भी अवश्य आएगी। क्योंकि इस स्तुति को सुनने के लिए भोलेनाथ और रुद्र अवतार जितने भी हैं वह तड़पते हैं। यह वह स्तुति है, यह चमत्कारिक है और इसका पाठ हर मनुष्य को करना चाहिए जो हिंदू सनातनी है। अब हम चलते हैं आज के विशेष में कि श्री रामायण जी में एक दोहा आता है जो इस कलयुग से संबंधित है, रहस्यमय ज्ञान है, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। प्रथम इसमें ऐसा है, ध्यानु प्रथम जुगम कविदि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। अब मैंने ये तो रामायण जी की चौपाई बोल दी, पर तो आपको समझ में कुछ नहीं आई, क्योंकि आप रामायण जी तो पढ़ते हो, सुनते हो, अच्छा भी लगता है, परंतु आप अर्थ नहीं जानते हो। मैं सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से कहूंगा कि रामायण जी ऐसी लाओ जो अर्थ सहित लिखी हुई हो और उसका अर्थ भी पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में रामायण जी में क्या क्या रहस्य भरे हुए हैं। और अभी आप फ्री हो, रोज एक दो घंटा, एक घंटा सवेरे, एक घंटा शाम को रामायण जी का पाठ करो, देखो आपके कष्ट निश्चित तौर से दूर होंगे। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है यह छुट्टी देकर के, अभी भी समय है। यदि आप रामायण जी लाते हो या घर में रखी हो तो लेकर के आइए, विधिवत पूजन अर्चन करिए उसका, और एक चौकी पर रख करके रोजाना रामायण जी का पाठ करो। तो रामायण जी में क्या है, ध्यानु प्रथम जुगम कविदि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। यानी इसका अर्थ है, पहले सतयुग में ध्यान में और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, इस चौपाई का अर्थ यह है। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिनता है, जो मदक कहने का अर्थ है कि कलियुग में केवल पाप ही पाप होंगे, मलिनता ही मलिनता होगी। यानी पुरुष भी चरित्रहीन होगा, स्त्री भी चरित्रहीन होगी, भाई भाई का दुश्मन होगा, बेटा बाप का दुश्मन हो जाएगा, बेटी भी अपने बाप या माँ की दुश्मन बन जाएगी। यह कलयुग का है, इसलिए मुन्ने बोला है कि कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिनता है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, यानी भगवान में तो मन लगेगा ही नहीं। यानी कोई मनुष्य यदि अच्छी चीज बोलेगा तो उसे सुनने वाले नहीं है, परंतु यदि कहीं पर स्त्रियां नाच रही होगी, अधनंगी कपड़े पहने हुए महिला नाच रही होगी, तो वहां पर लाखों व्यक्ति चले जाएंगे। ये कहने का अर्थ है। आगे और है इसमें कि मनुष्यों का मन जो है पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता, इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यहां पर यह आता है कि कलयुग के अंदर हर मनुष्य, अधिकांशतः मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, इसलिए ध्यान करने से
यज्ञ करने से, पूजन करने से आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप उस पाप में कर्म में डूबे हुए हो। तो आपको यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि कहा गया है इसी में कि सतयुग में ध्यान करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती, त्रेता युग जब आया तो उसमें कहा गया कि यज्ञ से ही सब कुछ चीज प्राप्त हो जाती थी, और द्वापर युग जब आ गया तो उसमें पूजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। तो कलयुग में क्या है, सिर्फ राम का नाम लेने से ही, भगवान का नाम लेने से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या हम ध्यान नहीं करें, क्या हम यज्ञ नहीं करें, क्या हम पूजन नहीं करें? तो इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने आप को पाप कर्म से दूर रखता है, पाप कर्म से दूर रखने का मतलब हो गया कि जो मनुष्य गलत कामों में शामिल नहीं है, पाप कर्म नहीं कर रहा है और किसी के साथ विद्वेष की भावना नहीं रख रखा है, विद्वेष की भावना भी नहीं होना चाहिए, और किसी के प्रति चाहे अपना बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, नाते रिश्तेदार हो, किसी के भी प्रति उसके मन में पाप की भावना नहीं हो, घर के बाहर भी जब निकल रहा है, चाहे वो कार्यालय में जा रहा हो, चाहे वो ऑफिस में जा रहा हो, चाहे वो व्यवसाय स्थल पे जा रहा हो, बाजार में घूम रहा हो, तो हम उसमें पाप की कल्पना ही मत करो। जब आप पाप की कल्पना ही नहीं कर रहे हैं तो इस कलयुग में भी आपका मन पाप में नहीं, ईश्वर के आराधना में है। तो आप यज्ञ कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो, आप अपने आप को पापी क्यों मानते हो? जब हम कह रहे हैं कि हमारा मन अब पाप से उठ गया है, हमको जो करना था वो कर लिया, अब हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं और वर्तमान में हम पापी नहीं हैं, तो हम यज्ञ भी कर सकते हैं, उसका पुण्य भी मिलेगा, और ध्यान कर रहे हैं उसका पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि यज्ञ से भोजन सीधा उस शक्ति को जाता है जिसका मंत्र बोल करके हम स्वाहा देवी के माध्यम से हवन करते हैं। यानी कि मान लो हमने मंत्र बोला श्री राम, जय राम स्वाहा, तो वो श्री रामचंद्र जी तक जाएगा ही जाएगा। यज्ञ कभी भी खाली नहीं होता है, यज्ञ का फल अवश्य मिलता है, इसलिए यज्ञ तो करना ही करना है, और न चाहते हुए भी शक्ति को यज्ञ को स्वीकार करने के लिए आपके यहां आना ही पड़ेगा। और जब शक्ति आपके घर पे या आपके जहां पे आप हवन कर रहे हैं वहां पे आती है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ अंश अवश्य छोड़ करके जाती है। इसलिए घर की शुद्धि के लिए, व्यवसाय की शुद्धि के लिए, और भी जहां पे गलत चीजें होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर हवन किया जाता है ताकि उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। और जब वो शक्तियां आती है तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है। इसलिए यज्ञ तो करना ही चाहिए। हम बार 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 जब हवन करते हैं तो हवन की जो हविष्य होती है उसे स्वाहा नाम की देवी उस देवता तक पहुंचाने का काम करती है। और जब बार बार हवन करते करते वो राशि, वो दान या वो हवन का जो पुण्य है, जब वो उस देवता तक पहुंचता है तो उन देवताओं को आशीर्वाद देना ही देना पड़ता है। कि कोई मनुष्य यदि आपके यहां भी बार बार आपके यहां धान्य भेज दे, बार बार आपके यहां पैसा भेज दे, बार बार आपके यहां मिठाई भेज दे, तो एक न एक दिन आपकी इच्छा होगी कि कौन मनुष्य ऐसा है जो मेरे यहां पे मिठाई भेज रहा है, मेरे यहां का दाल चावल आटा नमक सब भेज रहा है, मैं उससे मिल करके तो आऊं। तो भगवान को भी आपके यहां पे मिलने के लिए अवश्य आना पड़ेगा यदि आप बार बार हवन करते हैं तो। यानी इसी को सिद्धि बोलते हैं। तो मनुष्य को रोजाना हवन करना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने इष्ट का रोज हवन करे, या फिर जो परेशानी है उस परेशानी के निमित्त जो शक्ति का बनाई गई है उस शक्ति का हवन करें। हवन करने से पाप नष्ट होते हैं, ताप नष्ट होते हैं,
और जब तपाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तो आपको बीमारियां नहीं होती है। जब बीमारी नहीं होती है तो मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आप ईश्वर का नाम अवश्य लोगे। जब ईश्वर का नाम लोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और जब आनंद ही आनंद होगा, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति होगी, तो परमानंद अवश्य होगा। और जब परमानंद आ जाता है तो ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। इसलिए हवन अवश्य करें। और एक और चीज, हवन करने से फायदा, हवन करने से यह फायदा होता है कि आपके घर के अंदर यदि कोई अतृप्त आत्मा आ गई है, आपके आस पड़ोस की कोई अतृप्त आत्मा आ गई है, किसी की एक्सीडेंट में डेथ होने वाली आत्मा आ गई, जल करके मरने वाली आत्मा आ गई, फांसी लगा करके मरने वाली आत्मा यदि आपके यहां पे प्रवेश कर गई है, तो वो भी हवन की हविष्य धुनाना करके प्रसन्न हो जाती है, और वो भी आपकी मदद करने लगती है। चाहे वो प्रेत हो तो भी आपकी मदद करता है, चुड़ैल हो तो भी आपकी मदद करती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि उसको तो भोजन मिल रहा है। और कोई भी मनुष्य यदि जिसका पेट भरा जाता है वो आपकी मदद अवश्य करेगा। चाहे किसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या कर दी, आपके यहाँ पे चौकी भेज दी, आपके यहाँ पे मूठ चला दी, या फिर किसी को जिन जिन्नात भेज दिए, तो आप उसके नाम से हवन करना प्रारंभ करो, देखो वो आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाने लगेगा। पर आपको ये रहस्य ही नहीं मालूम कि यज्ञ करने से कितने फायदे होते हैं। यज्ञ करने से फायदा ही फायदा है, और यज्ञ करने से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होती है, और जब ये तीनों चीज आ जाती है तो वहां पर ईश्वर का वास होता है। और हमेशा ध्यान रखें, यज्ञ जब भी करें, यदि स्त्री करती हो आपके साथ में बैठ करके, आपकी लड़की बैठ करके साथ में करती हो, बहू में बैठ करके साथ में करती हो, तो उनके जब मासिक धर्म के 8 दिन पूरे हो जाए या कम से कम 7 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद ही यज्ञ पर बिठाएं, अन्यथा मत बिठाएं। अन्यथा आप अर्थ का अनर्थ करोगे, यज्ञ से आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। घर के अंदर मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करें। स्त्री के रजस्वला होने पर भोजन प्रसादी मत बनवाएं। स्त्री के रजस्वला होने पर कपड़े नहीं धुलवाना चाहिए। स्त्री के रजस्वला होने पर झाड़ू पोंछा नहीं लगवाना चाहिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाएगी और घर के अंदर दरिद्रता नाम की देवी आ जाएगी। मानो या न मानो, यह जो है यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर कष्ट की उत्पत्ति होगी, दुख होगा, आपको परेशानी होगी, संताप होगा, क्लेश होगा, और अंततः आप बर्बाद हो जाओगे। जो मनुष्य अभी वर्तमान में कष्ट में है, जिसके यहां बरकत नहीं है, लक्ष्मी की कृपा नहीं है, वो यज्ञ करना प्रारंभ करें और मासिक धर्म यानी रजस्वला के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दें। सूतक पातक के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दे, यानी घर की कोई भी स्त्री है बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना चाहिए, और एनसी पीरियड की अवस्था में, रजस्वला की अवस्था में, अशुद्धता की अवस्था में 4 दिन तक उसे भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तो आपके यहां धन धान्य से परिपूर्ण अवस्था अवश्य आएगी। और रोजाना हवन करें। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, ताप हर, पाप हर, संताप हर, दारिद्र हर, संकट हर, जय माता दी। ओम चंडम प्रति चंडम कर ग्रत दंडम कृत रिपु खंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटित दंतम नित्यकरम डमरु ध्वनि शंकम तरलवतंसम मधुर हसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम चरचित सिंदूरम रण भुवि दूरम दुष्ट विदूरम सीनिकरम किंगिणि गण रावम त्रिभुवन पावम कर्पर सावन पुण्यभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम चमयंतम परिव्रत संतम मृगद गंतम शुद्धतरम गति निंदित हेशम नरतन देशम स्वच्छ कशम तन्मुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भैरव वेशम कष्टहरम।